अरे बाप रे बाप, कितनी सुंदर है। इसे जरा इंप्रेस करना पड़ेगा। ए, क्या लेकर आए हो? गुलाब। चेहरा तो बिल्कुल भूत जैसा है, और गुलाब लेकर आए हो? नहीं नहीं, मैं क्यों गुलाब जैसा लगूंगा? मेरे हाथ में ये लाल गुलाब है, ये गुलाब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ सुंदर लड़की। क्यों क्यों लेकर आया है? कितनी भोली लड़की है, तुम मुझे पसंद हो, बहुत पसंद हो। मुझसे तुम शादी करोगी? तेरे जैसे भूत से भला कौन शादी करना चाहेगा? क्यों तुम? अगर एक और ऐसी बात कही ना तो थप्पड़ मारूंगी। वो मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद शादी करेंगे। हाँ। ये कोई पागल है या सच में भूत है? अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। ठीक है फिर, कर लूंगी शादी, लेकिन लेकिन क्या? मुझे एक बढ़िया सा बंगला चाहिए। ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। बंगले के साथ साथ गाड़ी भी चाहिए, लेकिन वो गाड़ी विदेशी होनी चाहिए। विदेशी? हाँ वो भी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। उस बंगले में बहुत सारे फर्नीचर होने चाहिए और बहुत सारा बैंक बैलेंस भी। ठीक है हो जाएगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम्हारी क्या किस्मत है लुल्लू। क्या बात है। सुंदर बंगला जैसा घर, कीमती कीमती विदेशी गाड़ी, उसके साथ फर्नीचर और मोटा बैंक बैलेंस। ढिंक चिकर ढिंक चिकर ढिंक चिकर चिंक चिकर। इसके लिए कितने रुपए लग सकते हैं? नहीं, सही से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। लुल्लू, तुम्हारी क्या किस्मत है लुल्लू। एक आइडिया दिमाग में आ गया है, एकदम छपाक से आ गया। घेघो चाचा, अरे ओ घेघो चाचा, घेघो चाचा। तुम खामखा इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं तो बस कान साफ कर रहा था। साफ? सुने हैं लोग दूसरे को साफ करते हैं, आप खुद अपने आप को ही। लेकिन मैं मेरे खुद का कान साफ करता हूँ, क्योंकि मेरे कान में कीड़ा है। ठीक है, मैं तेल ला दूंगा, दो बूंद करके कान में दीजिएगा, सोने के बाद दो बूंद और जगने से पहले दो बूंद। हाँ देखिएगा, हड़हड़ करके सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। लेकिन उसके बदले एक काम करना पड़ेगा आपको। एक काम है? जरा बता तो क्या काम है। अच्छा, एक बंगला जैसा घर बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा? एक घर बनाने में 1 करोड़ लगेगा, ये ऑनलाइन दाम है। जो भी लाइन में हो वो, और वो विदेशी गाड़ी कितने के होंगे? ये होगी 50 लाख। अच्छा अच्छा, सुनना, तेरे पास लाइसेंस तो है ना? ले लूंगा। अच्छा, साथ में महोगनी की लकड़ी का फर्नीचर का कितना पड़ेगा? वो भी लगभग 50 लाख में तो हो ही जाएगा। इसका मतलब पूरे 2 करोड़ है ना? अच्छा, बैंक में कितने पैसे रखे जाते हैं बताइए तो जरा।
तू मुझे ये बता कि आखिर तू ये सब जानना क्यों चाहता है? हाँ वो ये मतलब शादी अरे ये सब मत पूछिए, मुझे बहुत शर्माती है। अरे तेरी तो अभी आया और अभी गया। सुंदर बंगला जैसा घर, कीमती कीमती विदेशी गाड़ी, उसके साथ फर्नीचर और मोटा बैंक बैलेंस। अरे कुछ तो उड़ के आ रहा है। पेपर में पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। अरे 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 अरे, ये तो एक लॉटरी का टिकट है। अरे अरे अरे, इसका फर्स्ट प्राइज है 5 करोड़ रुपए। हाँ, और आज ही रिजल्ट का दिन है। लुल्लू, अरे तुम्हारी किस्मत में क्या लॉटरी का प्राइज जीतना लिखा है। हाँ लुल्लू। ये रहा लॉटरी का दुकान और ये रहा बोर्ड। सबसे पहले बोर्ड पर लिखा हुआ नंबर मिला के देखना पड़ेगा। जरा देखो देखूं। हाँ, तब यहाँ भी महाभाग्य लॉटरी है और वहाँ भी महाभाग्य लॉटरी है और यहाँ भी 700300600 और वहाँ देखो वहाँ भी 700300600। अरे बाप रे बाप रे, क्या बात है क्या बात है। अरे कोई मुझे पकड़ो। इसका मतलब मेरे पास जो लॉटरी का टिकट है उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। अब मेरी शादी कौन रोकेगा? हाँ, अरे अरे लुल्लू, तुम्हारी क्या किस्मत है लुल्लू। ए ढिचके ढिचके आओ, ए ढिक्की चिकरे ढिक्की चिकरे ढिक्की चिकरे ढिक पै 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 ढिक्की चिकरे ढिक्की चिकरे ढिक्की चिकरे ढिक। ओहो, आए घनशो, चल दुकान बंद कर चल। आपका ऑर्डर जब मिल गया है तब 5 मिनट के अंदर सटासट शटर बंद कर दूंगा। चाचा, अरे चाचा जी, इतनी गर्मी में तुम ये कंबल ओढ़कर कहाँ घूम रहे हो? मैं हूँ उल्लू, नहीं मतलब मैं हूँ सॉरी लुल्लू। तो क्या चाहिए? ये रहा मेरा टिकट, महाभाग्य लॉटरी का फर्स्ट प्राइज जीता है चाचा, आपके आशीर्वाद से। लाइए आपके 2 चरण लाइए। वो भी फर्स्ट प्राइज? दिखा तो मेरे को। देखिए ना, देखिए आंखें बड़ी बड़ी करके देखिए। अरे सारे नंबर एक एक करके सब मिल गए। तुम्हारा मतलब तुम पूरे 5 करोड़ के मालिक हो? अरे ओ घनशो, ये लड़का पूरे 5 करोड़ का मालिक हो गया है। तो क्या रुपए अभी मिल जाएंगे चाचा? अरे नहीं बेटा, इन पैसों को लेने के लिए तुम्हें लॉटरी के हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वहाँ एक फॉर्म भरना होगा और उसके साथ अपनी 3 पासपोर्ट साइज की फोटो भी देनी होगी। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा चाचा। सोचा था मिठाई खाने के लिए पैसे मांगूंगा, लेकिन वो तो फटाफट गायब। क्या भूत जैसी हरकत थी, बापरे। अरे चाचा जी धप्पा। अरे यहाँ हूँ चाचा जी, एक फोटो खींच देंगे। ओ, फोटो खिंचवाओगे? जाओ सीनरी के सामने पोज देकर खड़े हो जाओ। हाँ, इस तरह से। अरे व्यू फाइंडर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे कौन हो तुम? अरे पकड़ लिया। बापरे, भूतों की फोटो खींची नहीं जा सकती है। तुम भूत हो क्या?
भूत 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 फोटो खिंचवाने आया है, भूत फोटो खिंचवाने आया है, बचाओ बचाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, बाल बाल बच गया। पकड़ा जाने पर सीधा लेकर जाता तांत्रिक के घर और पीठ पर पड़ता दबा दब झाड़ू का बारिश। अरे बाप रे बाप, कितने जोर से लगता तब, बाल बाल बच गया मैं तो। कृष्णा, आखिर किसने मुझे धक्का मारा? मैं हूँ ठाकुर भैया। ओ ठाकुर भैया, हाथ से सांप फिसल गया। अरे क्या फिसल गया? मेरी लॉटरी, मेरी शादी। हाँ ठाकुर भैया, इंसान की एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ शादी फिसल गया। अरे बेवकूफ, कभी किसी इंसान की भूत के साथ शादी हुई है? नहीं होता है, जानता हूँ। हाँ नहीं होता है, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है। जानते हैं, शादी में जो जो चाहिए, मतलब बंगला जैसा घर, विदेशी गाड़ी, कीमती फर्नीचर और मोटा बैंक बैलेंस, सब सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ लेकिन फिर भी फिसल गया। पर इतना पैसा आएगा कहाँ से? उसका इंतजाम भी हो गया है। पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है मुझे। हाँ ये देखिए टिकट। तो फिर इतना रो क्यों रहा है? रुपए लेने के लिए मेरा फोटो चाहिए, लेकिन कैमरा में मेरा तस्वीर नहीं आ रहा है ठाकुर भैया। वही तो समस्या है, भूतों की तस्वीर आती कहाँ है? अरे ओ ठाकुर भैया, आपकी तो बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है। बताइए ना, एक आइडिया दीजिए ना, जिससे मेरी फोटो खींच जाए। हाँ ओ ठाकुर भैया बताइए ना, ओ ठाकुर भैया बताइए ना, ओ ठाकुर भैया। अरे हूँ बोल के सो गए क्या? कुछ तो बोलिए। अच्छा उपाय बताने पर मैं आपके चरणों की धूल को ताबीज में डालकर पहनूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, पर मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। भैया हो तो आप जैसे हो। बताइए बताइए, जल्दी से बता दीजिए। अपने मुंह पर मिट्टी का लेप लगा करके जाओ। ठीक है, लगा लूंगा। और उसके बाद? उसके बाद हाँ, ठाकुर भैया ने जिस तरह से कहा था वैसे वैसे ही कर लिया हूँ। अब देखता हूँ कैसे तस्वीर नहीं आती है। भैया वो पैसे दीजिए। कौन से पैसे? 5 करोड़ रुपए का प्राइज मनी। ये लीजिए फोटो। ये फोटो नहीं चलेगा, मिट्टी लगा फोटो नहीं चलेगा, असली फोटो चाहिए, असली फोटो मुझे। जाओ ले आओ। इससे बढ़िया फोटो मेरा नहीं आएगा भैया। तो फिर पैसा भी घर पर नहीं आएगा, जा जा। तब मेरी शादी? अरे चल, ये फोटो नहीं चलेगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। चल जा, पासपोर्ट साइज फोटो जा लेकर आ। तेरी की। नहीं हुआ, मेरा सारा सपना एक झटके में टूट गया। नहीं, अब लगता है किसी भूतनी से ही शादी करना पड़ेगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है। अब इस टिकट का क्या करूं, फाड़ के फेंक ही देता हूं। अरे ये लॉटरी का टिकट अब कौन रख के गया? ये तो महाभाग्य लॉटरी का टिकट है।
ये क्या चमत्कार है, ये क्या हो गया, मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया है लॉटरी के टिकट में। अरे सुनो सुनो, अरे ऊपर वाला हमारे लिए 5 करोड़ की लॉटरी छोड़ गया है और इसमें अपना नंबर भी आ गया है और अपने वृद्धाश्रम की गरीबी खत्म हो जाएगी। आ जाओ ये देखो, ए देखो तो। कभी कभार भूत भी भलाई करते हैं। मेरी शादी तो हुई नहीं, लेकिन ये सब असहाय इंसान लोग इस पैसे से अच्छे से खा के अच्छे से जीवन जी सकते हैं। अच्छा काम करने से इतनी खुशी मिलती है, ये मैं पहले समझ नहीं पाया। अरे लुल्लू नजर उतार लो, अपनी नजर खुद ही उतार लो।